गाइस, आप सब कैसे हैं? तो आज का ये ब्लॉग अब हम मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं। रात को इतना खतरनाक पानी गिर रहा ना, पूछो मत। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 1:15 बजे मेरी नींद खुल गई थी यार। और भैया यार, बहुत ही तेज पानी गिर रहा और जो हवा चली, जो बिजली कड़की, ये देखिए, मैंने रात को रिकॉर्ड करा था, ये देखिए आप। ये देखिए गाइस, अभी रात के 1:15 बज गई है और इतना खतरनाक आंधी और तूफान चल रहा है कि पूछो मत। एक्चुअली क्या हुआ, अभी लाइट चली गई ना, तो मेरे हिसाब से आधा घंटा हो गया ऑलमोस्ट लाइट जाके, और मेरी नींद खुल गई। तो मैंने देखा यार कि क्या हो रहा है यार। ये आज तो मेरी नींद जल्दी हो गई थी क्योंकि मैंने संडे था, तो मैंने अपलोडिंग और वो सब काम भी जल्दी कर लिया था, तो 12:30 तक मैं भी सो गया था, 12 के आसपास ही। और ये देखो क्या पानी गिर रहा है यार, खतरनाक वाला। अभी है ना गाइस, खतरनाक बिजली कड़क रही है ऊपर, मैं दिखाता हूँ, है ना। ये देखो ऊपर आसमान पे। एक्चुअली मैं बच्ची पे जा नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी पानी खतरनाक वाला गिर रहा है, तो भैया हम गीले हो जाएंगे। पर बहुत ज़्यादा पानी तेज हो गया यार, एकदम से क्या हो गया मेरे को समझ नहीं आ रहा मौसम को यार। देखिए इस तरफ, देखिए गाइस, ये बोर्ड है ना, पूरा आड़ा हो गया मेरे साथ, सब गया ये देखो। और मैं ही नहीं, इवन रिंजू भाई साहब भी उड़ गए और देखने लग गए उठ के रात को, क्या करे भैया। तो मैंने बोला तू तो सो जा भैया, फिर देखते हैं, क्योंकि लाइट भी चली गई थी और थोड़ा गर्मी भी लगने लग गई थी। चलो, और इधर है ना रिंजू भाई भी उड़ गए, मैं जैसे ही उठा ना तो भाई भी उड़ गया, देखने लग गया क्या है, ये भी बोलने लग गया मैं भी चलूँगा बाहर। मैंने कहा पागल है क्या, सो जा अभी। ये देखो अब इसकी भी नींद ख़राब हो गई भाई की। चलो कोई ना, जैसा कि आप जानते हैं कल संडे था और मैंने क्या है कि जल्दी काम कर लिया था, अपलोडिंग का काम। ऑलमोस्ट मैं 12 बजे चला गया था सोने और लाइट गई, मेरी नींद ख़राब हुई। फिर लाइट मेरे हिसाब से 2 बजे के आसपास आई थी, पर फिर मेरे को नींद नहीं आई। तो वही है कि आज मॉर्निंग में मेरे को जिम जाना था, पर लेट उठे, और लेट उठने के बाद ये देखिए यहाँ पे, आप लिटरली देखो पेड़ की जो टेलियाँ रहती है, डालियाँ पूरी टूट टूट के गिर के पड़ी हुई है, और रोड पूरे ऐसे हो गए कि पूछो मत। ये देखिए गाइस, इस तरफ ये पूरा आप देखिए, हमारे रिंजू भाई सब भी बैठ इधर से। चलो रिंजू, ये देखो, ये देखिए जगह जगह है ना, सब गंदा हो रहा है रोड। ये अलग बोकरा है भाई, कोई लेना ना देना। ये देखिए अभी धूप तो आ गई है, थोड़ा हम लेट भी हो गए थे निकलने में, पर मौसम ठंडा है, मज़ा आ रहा है चलने में। इस तरफ सब पेड़ की डालियाँ टूट गई है, और ये इधर देखिए, ये देखिए इस तरफ सब गिर गिर के टूट के रास्ते पे ही आ गई है। ये भाई का बोर्ड भी गिर गया, आड़ा ही हो गया। अब देखिए ये भी पूरा है ना, देखो बोर्ड है ना, पूरा आड़ा होके लटक गया है। ये भी पता नहीं किसका गिर गया भैया, मैं लिटरली बता रहा हूँ गाइस, इतना तेज पानी और इतनी हवा चली ना, पूछो मत। ये भाई यहाँ पे तो गाइस बोर्ड आड़े हो गए, ये सब गिर गया, डॉक्टर साहब के बोर्ड गिर गए तरफ से। देखो इस तरफ जगह जगह डालिया गिर गई है, पर ये देखो पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई इस तरफ। देखो ये रोड तो पूरा साफ हो गया, पर यहाँ पे इतनी मिट्टी हो गई, पूछो मत। ये देखिए सर, ये भी पता नहीं पेड़ की कोई बड़ी डाली थी, पूरी टूट के गिर गई, और आगे भी सब दूर ऐसा ही हुआ है। इधर देखो, इस तरफ भाई का गमला भी गिर गया, और वो भी सब आड़े तेड़े होगा। इस तरफ इनके भी बोर्ड की पूरी 12 बज गई है। ये मैंने अब भी देखा, ये देखो ये पेट क्लिनिक का है, ये वहाँ पे रखा रहता है, देखो उस तरफ रखा रहता है, कहीं तो भी ऊपर टंगा हुआ था। जैसा कि पूरे रास्ते भर से मैं देखते आ रहा हूँ, किसी का कुछ बैनर टूट गया, किसी का बोर्ड गिर गया, किसी का क्या गिर गया, नुकसान तो हुआ है, मतलब
और ये चीज़ अभी जब शॉप्स पे आएंगे लोग तब पता चलेगा उनको आने के बाद। ठीक है, अभी मैं घर जा रहा था तो मेरे को ये दिखा गाइस, ये देखो, ये एक्चुअली हमारा बोर्ड है, हमारे जो पहले शॉप थी ना उसका हमने बना के रखा था, पर इसको हमने गच्ची पे रखा था। गच्ची पे ऐसे कैसे गिर के आ गया? मेरे हिसाब से हवा आई थी ना आंधी, तो उसके कारण आ गया। चलो इसको उठा के रखते हम। एक चीज़ अच्छी हो गई कि आंधी तूफान आया ना रात को। ये देखिए हमारी गाड़ी साफ़ हो गई, एकदम झकाझक हो गई, देखो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मस्त साफ़ हो गई। और एक चीज़ और, ये हमारे गार्डन के पूरे पेड़ पौधे हैं मतलब, तो अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। देखो पूरी मिट्टी है ना, आप ध्यान से देखो, पूरी गीली है। ये देखो पानी गीला ही ऐसा कि पूछो मत। ये हमारे आज के फूल देखो, ये गजरा है, ये बहुत सारे अलग अलग फूल है, इस तरफ तुलसी है और ये लाल फूल है। ये मैंने मम्मी से पूछा कि यार इसको क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गए? बोले अभी खिलेंगे थोड़ी देर में। मैंने कहा बढ़िया है। ये तो अभी हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, और अभी ऑलमोस्ट 10:40 हो गए है, थोड़ा सा लेट है। एक्चुअली मैंने क्या नैप ले लिया था यार, तो रात को नींद ही नहीं हो पाई वो बारिश के चक्कर में। तो कोई नहीं, अभी चलते हैं। खतरनाक वाली धूप आ गई है यार, अभी फटाफट चलते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या है आज। लगता है ना, मेरे को लग रहा है कि रात को है ना पानी ज़्यादा गिरा है ना, तो इस चक्कर में आज धूप ज़्यादा गिरेगी यार। तो अभी है ना गाइस, हमारे जो ऑफिसेज के पास में ही 2-3 बिल्डिंग छोड़ के कोटक बैंक की ब्रांच थी, तो मैंने कहा यार फटाफट बैंक का काम कर लेते हैं। तो मैंने कहा दिन में जाने का हेडेक ही नहीं होगा, तो मैंने कहा पैदल ही आ जाए। तो हमारे जो कमलेश भी, उन्होंने बताया था, तो मैंने कहा चलो, तो हमारा काम भी हो गया है, अब हम चलते ऑफिस। तो गाइस अभी हम निकल रहे ऑफिस, तो ऑलमोस्ट अभी 7 बज चुके हैं, तो काम हो गए थे हमारे जल्दी जल्दी फटाफट, तो निकलते हैं। तो मेरे को एक्चुअली किसी से बात भी करना है, तो उससे बात भी कर लेता हूँ मैं। अब भी हम घर पे आ गए, और रंजू भाई साहब है ना गेट पे वेट कर रहा था, तो मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो बाहर एकदम से भाग के आ गया, हाँफ रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी अभी है ना थोड़ी देर पहले ही घूम के आया, मेरे को लगता है शायद मम्मी हो सकता है लेट ले गई होगी। और अभी देखो हमारे रंजू भाई साहब बैठ गए, अबे इधर तो बैठ, एटलीस्ट इधर बैठ जा, तो गंदा तो नहीं होगा, तो गंदा होगा सुनता कर। ये देखो भाई यहाँ पे ना पूरी है ना मिट्टी मिट्टी जमा हो जाती है, और पानी गिरा ना तो सब देखो कीचड़ कीचड़ होने लग गया। अभी एक बार है ना इसको साफ करता हूँ, कुछ दिनों बाद करूँगा। अभी है ना हम रंजू भाई साहब को घुमाने लाए हैं, और अभी मौसम तो मतलब थोड़ा है ना ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो गर्मी और चिपचिपा पसीना टाइप लग रहा है। अब देखते हैं आज रात को कि पानी गिरता है कि नहीं। और ये हमारे रंजू भाई साहब मस्त घूम रहा है। ये देखो गाइस रंजू नीचे बैठा हुआ है, उसको कब से बुला रहे आ ही नहीं रहा। चलो रंजू सोने चलना है ना, चलो जल्दी आओ ऊपर चलो। ये देखो मेरी बात बराबर सुनता, मम्मी की नहीं सुनता है। ये आया भाई, देखो 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 कैसा है कैसा है कैसा है, ये देखो 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 ये आया, ये देखो चलो चलो, ये देखो ये आया ना बराबर आ गया भाई साहब। ये अच्छा इधर बिस्किट रखा है, तो बिस्किट भी खा लूँ और काम भी हो जाए मेरा। सो गाइस अब आज का ये ब्लॉग अब हम यहीं पे एंड करते हैं। हमारे रंजू भाई भी आ गए हैं, अब वो भी है ना बिस्तर पे बैठ गए, अब थोड़ी देर में सोने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए, और अगर हमारे चैनल पे वीडियोस अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तो आप बने रहिएगा। सो टाटा बाय बाय गुड बाय, अब कल मिलते हैं, शुभ रात्रि गुड नाइट बूम।